में हम सीखेंगे ड्रीम इलेवन कैसे खेलें या फिर ड्रीम इलेवन कैसे खेलते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ड्रीम इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड करोगे। अपनी डिटेल्स, अपना मोबाइल नंबर डालोगे और ये चीज़ों को डालने के बाद आपका जब लॉगिन करोगे कैसा पेज आपके सामने आ जाएगा। अब इस पेज में कौन सा ऑप्शन क्या है, कैसे आप इसमें मैचेस को खेल सकते हो, किस तरीके से आप इसको जीत सकते हो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको लाइव खेल करके भी और एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हो यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, अलग अलग गेम्स के नाम मिल जाते हैं, यानी कि कोई भी गेम है जिसका भी मैच आने वाला हो उसमें आप अपने स्किल्स को यूज़ करके अपनी टीम बना करके इस गेम को खेल सकते हो। टीम कैसे बनती है, पैसे कैसे ऐड होते हैं, पेमेंट को कैसे आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना। तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये लॉगिन तो हो गया। लॉगिन करने के बाद सबसे जो हमारा पहला काम रहता है वो ये रहता है, क्योंकि वैसे तो आप नीचे वाले डिस्क्रिप्शन से जब डाउनलोड करोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये, कुछ रुपये यहाँ पे आपको बोनस मिल जाएगा जो कि आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो कि यहाँ पे ऊपर देखोगे कि वॉलेट के जैसा बना है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास अभी 40 रुपये का बैलेंस है और 9 रुपये मैंने जीते हुए हैं विनिंग्स में, जो कि मैं इंस्टेंटली अपने अकाउंट में ले सकता हूँ। 31 रुपये अभी मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। कैश बोनस जो भी आपको बोनस मिलता है वो यहाँ पे ऐड होते जाता है, जिसको आप अपने रियल मनी के साथ वो बोनस को भी यूज़ करते हो और आप जो भी आपको मैच खेलना है उसमें आप पैसे को लगा सकते हो। तो सबसे पहला काम तो होता है कैश को ऐड करना, अगर आपके अकाउंट में कैश नहीं है। बाकी की चीज़ें बाद में। ऐड कैश करने के लिए क्या करना, सिंपली करना कुछ नहीं, ऐड कैश के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। ऐड कैश के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा और इसके ऊपर आपने अमाउंट जितना भी ऐड करना है, 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 500, जो भी अमाउंट ऐड करो यहाँ पे अमाउंट को एडिट कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको पेमेंट ऑफर्स मिल जाते हैं, अगर उनको अवेल करते हो तो हर एक पेमेंट गेटवे पे अलग अलग ऑफर है। अगर अमेजन पे से करोगे तो अप टू 25 रुपीज़ का कैशबैक है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद एक बार आपने अमाउंट ऐड कर लिया, उसके बाद में आपने वापस अपने स्क्रीन पे आ जाना जहाँ से हमने शुरू किया था, जो हमारे सामने स्क्रीन आई थी। अब बात आती है कि हमने क्या इसमें किस में प्ले करना है, तो हम क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्रिकेट ही सबसे पॉपुलर है और इसी में ड्रीम इलेवन जो लोग हैं ज़्यादा इसमें मैचेस को प्ले करते हैं। टीम बनाना है किस तरीके से और किस में आपने सेलेक्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे अपकमिंग अपकमिंग मैचेस की लिस्ट है, ये वो मैचेस है जो कि आने वाले होते हैं। जैसे कि अभी एक ये देखोगे ये तो अभी जस्ट अभी स्टार्ट हो गया, 0 सेकंड है। इसके बाद में इसको थोड़ा और ऊपर लेकर के चलेंगे, ये मैच देखो ये 24 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, ये 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी आपको देखता है कि जितना आपको समय चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अभी एक मैच देखोगे ट्रेंट रॉकेट्स और साउथर्न ब्रेव के बीच में एक मैच होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी एक को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, मान के चलो इसको हमने इसमें हमने देखना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि नया पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों के ऊपर एंट्री फीस है, यहाँ पे 24 रुपये की एंट्री है, यहाँ पे 100 रुपये की एंट्री है और प्राइस पूल यहाँ पे 14 लैक्स का है, यहाँ पे 2 लाख का है, यहाँ पे एंट्री 74 रुपीज़ की है। जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसमें क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई से भी लीग में मान कर चलो हमें एंटर करना है, मान लीजिए जैसे कि अभी मेरे में कम है तो यहाँ पे मैं ये जो 44 रुपीज़ वाला प्राइस पूल है मैं इसमें एंट्री ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा इसमें उसे और बेटर देख लेते हैं तो ये 15 रुपये वाला मैं 15 रुपये की एंट्री है और इसमें जो मैक्सिमम प्राइस पूल है वो 7500 का है। इसकी डिटेल आपको कैसे पता चलेगी, देखिए एंट्री लेने से पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पे 1 से लेकर के 250 तक की जो रैंक आएगी उन सभी को यहाँ पे कितने मिलेंगे, 30 रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आपका इसमें रैंक आता है तो यहाँ पे आपको 30 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 11 एंट्रीज ले सकते हो और इसमें 250 टीम्स हैं जो इस कंटेस्ट को विन करेंगी जब अगर ये फुल हो जाता है तो, और यहाँ पे जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ का है। इस तरीके से उसमें हम मैं एंट्री लेकर के भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे बड़े प्राइस की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से, यहाँ पे देखिए एंट्री सिर्फ 24 रुपये की और प्राइस जो है इन सीआर है 4 करोड़ का है। तो इसमें किस तरीके से काम करता है, 65 यानी इतनी टीमें इसमें मैच जीतें कि यहाँ पे 20 टीमें आप बना सकते हो और जो पहला प्राइज इसमें 22 लाख है जिसका रैंक 1 आएगा। यानी किस तरीके से होता है, मान लो आपने अपनी टीम बनाई, आपके जैसे हो भी हज़ारों लोगों ने टीम बनाई, जिसकी टीम पहले नंबर पे आ गई, जिसने ज़्यादा स्कोर किया उसको 22 लाख का है, फिर दूसरे नंबर वाले को 5 लाख का है, इस तरीके से ये डिवाइड है। और क्योंकि इसमें एंट्री कम है तो यहाँ पे क्या है कि एंट्री करने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। इसमें स्पॉट्स देखो कितने ज़्यादा यहाँ पे स्पॉट्स हैं, इसके लिए
यहाँ पे एंट्री कम है और जो प्राइस है वो ज़्यादा है, जिसमें लोग कम होंगे उसमें जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, तो उसमें जो प्राइस पूल है वो कम होगा। तो कोई सा भी एक जो आपको लगता है आपके बजट के अंदर, जैसे मैंने ये 15 रुपये वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब आता है यहाँ पर मेन चीज़ कि हमने टीम बनाना है। अब टीम बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना दिमाग यूज़ करना है, किसको आपने कैप्टन बनाना है, किसको आपने वाइट कैप्टन बनाना है, किसको आपने विकेट कीपर रखना है। यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑप्शन मेरे पास विकेट कीपर को मैंने चूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी सा विकेट कीपर को चूज़ कर लेता हूँ। बैट्समैन की बारी आ जाती है तो बैट्समैन में भी जो भी आपको सही लगता है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बैट्समैन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टोटल 6 की टीम मेरी बन गई है। ऑलराउंडर्स में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लिए मैंने, अभी हो गए मेरे 8 और तो 10 हो गए। ऑलराउंडर कम कर देते हैं। बॉलर्स में हम यहाँ पे 2 की टीम बना लेते हैं, और यहाँ पे 11 लोगों की टीम बन के 10 की बनी है। एक और हम ले लेते हैं बॉलर, यहाँ पे हमारी टीम कंप्लीट हो गई है। प्रीव्यू पे भी कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पे करके नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स की बात आती है, जो कैप्टन जिसको भी बनाओगे, जो उसका पॉइंट है वो 2 एक्चुअली उसका डबल पॉइंट मिलेगा, और जो वाइस कैप्टन जितने पॉइंट करेगा वो 1.5 गुना होकर के हमें मिलेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कैप्टन बना लेता हूँ और एक को वाइस कैप्टन बना लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बैकअप भी रख सकता हूँ, अगर इनको अब मुझे सेव करके रखना है, आगे कहीं पे भी यूज़ करना है, तो इसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ अभी के लिए। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे टीम बन गई है, कंफर्मेशन आ गई, मुझे 15 रुपये पे करने होंगे, तो 15 रुपीज़ पे मैंने पे किया और कंटेस्ट को मैंने ज्वाइन करा। और जैसे ही ज्वाइन करा, यहाँ पे देखोगे कंटेस्ट का ऑप्शंस है, यहाँ पे माई कंटेस्ट है, माई टीम है, माई टीम में मेरी टीम की डिटेल आ जाएगी। माई कंटेस्ट में जाऊँगा, जो मैंने कंटेस्ट ज्वाइन करा है उसकी यहाँ पर डिटेल आ गई। तो यहाँ पर मैंने कंटेस्ट ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। अब जब भी मैच स्टार्ट होगा उसके बाद में मुझे पता चलेगा कि मेरा रैंक क्या आता है। जब मैच खत्म होगा उसके हिसाब से जो मुझे जो मेरा प्राइस होगा, जो मेरी विनिंग अमाउंट होगी, तो वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी, जिसको मैं अपने जो भी यहाँ पे मैंने पेमेंट मेथड ऐड किए होंगे उसके लिए भी, यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना होता है तभी आप पेमेंट निकाल सकते हो। उसके बाद कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे माई मैचेस है, माई रिवॉर्ड्स है। माई मैचेस में अपने मैचेस की डिटेल चेक कर सकते हो, जो भी यहाँ पे मैचेस हैं अपकमिंग है, मान लीजिए जो कंप्लीट हो रह गया रहेगा वो कंप्लीटेड की इसमें आ जाएगा, जो लाइव जो चल रहा होगा वो इसमें आएगा, क्योंकि अभी जो अपकमिंग है 3 घंटे के बाद ये लाइव में चला जाएगा, जब ये चल रहा होगा उसको भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सारा का सारा मतलब सिंपल सा सिस्टम है, जस्ट आपने टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो गूगल में आप देख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है तो जो जो टीम बनानी है देख सकते हो, कौन सा प्लेयर बॉलिंग में अच्छा है, कौन सा बैटिंग में अच्छा है, कौन सा विकेट कीपर अच्छा है, उनके ऊपर अपनी टीम में उनको रखो, क्योंकि जैसे अपने बंदे रखे होंगे वैसे वैसे उनका स्कोर होगा, और जितना ज़्यादा स्कोर आपका मिलकर के बनेगा उतनी अच्छी आपकी यहाँ पे रैंक बनेगी। बस यही है, यहाँ पे अपने स्किल यूज़ करना होता है, और जो विनिंग अमाउंट होगी वही जो ऊपर वॉलेट का साइन था वहीं पर चला जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए कि मेरे पास 16 रुपये बच गए हैं और विनिंग्स में यहाँ पे 9 रुपये बचे हैं। 9 रुपये मैं जब चाहूँ उसको विड्रॉ कर ही सकता हूँ, और मान लीजिए मैं जीतता हूँ, यहाँ पर मेरे को 30 रुपये और मिल जाते हैं, तो यहाँ पे 40 हो जाते हैं, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में, जो भी अकाउंट में यहाँ पे दिया होगा उसमें वो आ जाएगा। तो इतना सा इसका गेम है, इस तरीके से करके आप बहुत ही इजीली इसको आप खेल सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये एक लत लगने वाली गेम है, तो इसको अपने रिस्क पे खेलें, और इसमें जो भी पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपका खत्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले तभी इस गेम को खेलें, अदरवाइज आप इसको ना खेलें, क्योंकि इस गेम में वित्तीय जोखिम भी शामिल है। और वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई डाउट क्वेश्चन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय।